अरे वाह, ये तो लॉटरी लग गई। 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब मैं छुट्टी के लिए घर कैसे जा पाऊंगा? बिल्ले मुझे छोड़ दो अकेला। मैं अब घर जाने के लिए क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। समझ गया। हेलो। हाँ, मैं लक्का बोल रहा हूँ। अब तो साल भी खत्म होने वाला है। क्या हुआ? तो क्या आप, सीधी बात बताऊं तो आप मुझे कुछ पैसे भेज सकते हैं? जरूर, लेकिन पहले जरा आंकड़े तो देख लो। जैसे कि तुमने ये साल एक बार भी अपना काम पूरा नहीं किया, मैं ये नुकसान तुम्हारी पगार से ही काटूंगा। इसका मतलब है कि तुमने एक भी पैसा नहीं कमाया। अब अगर ये तुम सही करना चाहते हो तो बातें करो और काम ज्यादा करो। आप सुन रहे हैं सर? सर, इस गधे को जितना कोसो कमी होगा। दिल नाम का कुछ है ही नहीं इसके पास। एक दिन मजा जगा के रहूंगा तुम्हें। ये तो बहुत ही स्वार्थी है। ये थकाने वाला काम है। अब तो मुझे ही मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। म्याओ। ये बैग को देखो जरा, हो सकता है इसमें कुछ मिल जाए। क्या चल रहा है यहाँ पर? ये तो वही सिंघाड़ा है जो मैंने पिछले साल जमा किया था। बिल्कुल। बिल्ले, क्या बात है, ये तलने के बाद तो और भी स्वादिष्ट लगेगा। ओहो, क्या बात है, मैं तल कर इस सिंघाड़े को स्टेशन पर बेच सकता हूँ और इससे मैं काफी पैसे भी कमा पाऊंगा। मतलब मैं जितना जल्दी सोच रहा था उससे भी पहले घर जा सकता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। आओ गरम गरम खा लो। ये तले हुए सिंघाड़े गरम और स्वादिष्ट हैं। सिंघाड़े गरम गरम सिंघाड़े, क्या बात है, कितने गरम है ये। खुशबू तो अच्छी है, मैं कुछ खरीदना चाहूंगा। कितना सही है भाई। अरे भाई साहब, ये कितने का है? अरे क्या ये देखा तुमने? गंदा है कोई, एकदम गंदा है। अरे मेरी गलती हो गई, देखिए मैं इसको निकाल के फेंक दूंगा। ये देखिए, क्या हुआ भाई? जरूर बहुत गर्म होगा। अरे भाई देखिए देखिए, मुझे गलती हो गई, थोड़े तो खरीद लीजिए। ठीक है, चलो कुछ खा के देखते हैं। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं 5 थैली लूंगा। ये तो मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। मुझे दे दो भाई, मैं अमीर बन गया। अरे ठीक है, अभी दे रहा हूँ, आप शांति से रहिए। मैं देता हूँ, आप दे रहा हूँ, रुकिए तो सही। सारे बिक गए और इन्हें तो और चाहिए। अरे यार, ये क्या है? अरे हाँ, उस गिलहरी के पास जरूर और सिंघाड़े होंगे। सुनिए, आज के दिन के सारे सिंघाड़े खत्म हो गए, मैं कल फिर आऊंगा। बर्फ के मौसम में गिलहरियां सिंघाड़े जमा करके पेड़ के अंदर रखते हैं। ओह, कितने चालाक हैं ये। ये जानवरों के बारे में जानकारी तो वाकई असाधार निकली। अरे इसमें भी नहीं है। आधा दिन खत्म हो गया और हाथ कुछ भी नहीं लगा मुझे। मैं इस काम में एकदम बेकार हूँ, कुछ नहीं होगा मुझसे। ये तो गन्ने के खेत में आलू ढूंढने वाली बात हो गई। ये क्या, ये तो एक सिंघाड़ा है। अरे यार, ये तो सब यही है।
सिंगारे क्या नसीब है मेरा। यहाँ क्या चल रहा है? मेरे बच्चे वापस आओ, आ जाओ। हाँ? कौन है ये? एक बार ये सिंगाड़े बिक जाएं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हाँ? रुको जरा, ये ऐसा क्यों कर रहा है? मैं इसे नफरत करता हूँ। ये मेरे साथी का खाना था, मैं इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जाकर बब्लू डब्लू की मदद लेता हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। डब्लू उठो भाई, डब्लू मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भाई, चलो भी अब उठ भी जाओ। चिंटर तो जाए बोलना, मैं तो हाँ सोने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके पहले कि भाई सामान लेके आ जाए। डब्लू लखा मेरे सारे सिंघाड़े ले गया, मैंने उसे बोलते हुए सुना कि वो सब बेच देगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, है ना? क्या ये पेंटो चुचुदर का ही काम, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। मैंने तुमसे कहा मेरे पास पीला दिल नहीं है। एक मिनट रुकिए, अभी तैयार होगा। क्या लगता है इसमें? डब्लू देखो वो लोग वहाँ है। छोटा पहले मैं तो देख लो। मैंने बोला ना मेरे पास पूरा दिन नहीं है, अरे जल्दी करो भाई। आप कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोयला बदलने का वक्त हो गया। ये तो जलने की खुशबू है। डब्लू तुम्हारे पीछे तो आग लगी है। अरे यार ये तो उसकी आवाज लग रही थी, पता नहीं मेरी गलत फहमी होगी। डब्लू मेरे दोस्त, वो ऐसे तो मेरे सारे सिंघाड़े बेच देगा, तुम्हें उसे रोकना ही होगा। तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ क्या करना है। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। आपका दिन बहुत शुभ हो। ये बदबू कैसी है? बहुत ही ज्यादा बदबू। ये कहाँ से आ रही है भैया? अरे बाप रे, अरे यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है, यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है भाई, मैं निकलता हूँ। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? ये क्या हो रहा है? टकले पकड़े तो चलो, चक्कर का ही क्या है तुम लोग? डब्लू जल्दी भागो, वो नजदीक आ रहा है। अरे भाई तुम बहुत धीरे भाग रहे हो, जल्दी जल्दी भागो। बहुत आसान है, तुम्हें वजन का बैग लेके भाग के दिखाओ। दोस्तों बहुत स्लो चल रहा है, लगा मैं पकड़ लेगा, जल्दी करो। अरे डब्लू देखो भाई, गाड़ी है। तुम क्या मजाक कर रहे हो? ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, समझ गए ना चिंटू? बस एक बार करके देखते हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं है। रुक जाओ, वो सब कर रहे हैं। डब्लू तुम हमें कभी नहीं पकड़ पाओगे लक्का। ट्रेन आ रही है। अरे नहीं, ट्रेन तो इधर ही आ रही है। ट्रेन आ रही है, हमें ये चीज रोकना पड़ेगा। ठीक है, बालों के नाखून का कमाल चोटे को। रेलगाड़ी अरे मेरे नन्हे मुन्ने, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें सुरक्षित घर ले जाऊंगा। मैंने लखा को बचाया वरना मर जाता। ये सही है, लेकिन लखे ने मेरे लिए इतने सिंगोड़े छोड़े हैं, इससे मैं ये ठंडी कैसे बताऊंगा बताओ? तुम मेरे घर में कभी भी आ सकते हो, मेरे घर में बहुत पाल है, लेकिन मेरे भाई को मत बताना। सही है, मैं तो सच में भूखा रहने वाला हूँ।